दिन भर लोग वो आईबी की रिपोर्ट खोज रहे थे जो उन्होंने ऐसे करके दिखाई उस पर थी भी मैं बोलता हूं। तो वो आईबी जो है आपको भी इंक्वायरी करानी चाहिए वो कौन सी आईबी की रिपोर्ट है उस पर भी मैं बोलता हूं। सबसे पहली बात, शपथ लिए हुए चीफ मिनिस्टर को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द आईबी रिपोर्ट नंबर वन, और उसका इस्तेमाल कहाँ करना है उसके बारे में भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के नॉर्म्स को महसूस करना चाहिए। एनीवे, वो आपकी आईबी की रिपोर्ट है, आज सार्वजनिक करें उस आईबी की रिपोर्ट को। इस तरीके से सार्वजनिक जीवन में झूठ बोलना और झूठ, और मैं हैरान हूँ, मैं मुझे लगता है कि ऐसी भी पार्टियां चलती हैं, ऐसे भी नेता चलते हैं। अब देखिए, मैं आप ही के मैंने चैनल पर देखा, मनीष सिसोदिया इतने गुस्से में, शर्म आनी चाहिए कि एक थेरेपिस्ट को ये लोग, उसको थेरेपी होनी थी सत्येंद्र जैन को, और वो थेरेपी चल रही थी। ये देखिए रिपोर्ट, पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट लेकर के आ गए, कौन सी रिपोर्ट थी, और रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया, रिकॉर्ड बनाया भाई। मतलब आप देखिए क्या आंखों में, पब्लिक की आंखों में धूल झोंकते हैं। मैं अगर जीवन में इस तरीके का काम करूं, सार्वजनिक रूप से एक बार नहीं 20 बार माफी मांगूं कि ये क्या, मेरे से हुआ कैसे, और जिस किसी ने भी मुझे ऐसे कहा। लेकिन उनको कोई झूठ बोलने में जरा सी भी तकलीफ नहीं होती, शर्म आनी चाहिए। मतलब शर्माए हम और झूठ बोलो तुम, ये इनकी स्थिति है। तो आईबी रिपोर्ट है तो सार्वजनिक करें।